कैसी लग रही हूँ मैं, कहिए क्या ख्याल है आप लोगों का। और कल मूड था ख़राब, आप आगे मेरा वीडियो वॉच करेंगे पूरी बात पता लग जाएगी। फिर रात पे लेगा ये लोग मुझे फिर से वापस से कुकड़ नुक्कड़, बोले चलो रीना तुम्हें वहाँ पे बढ़िया सा खिला के लाते हैं तुम्हारी पसंद का कुछ। एक्चुअली ना मुझे वहाँ पे उसका मंचूरियन, ड्राई मंचूरियन भी बहुत पसंद आता है और सूप भी उसका, मतलब अच्छा लगता है मुझे वहाँ पे जाके। सुकून से गाड़ी में बस गाने चला लो पुराने और अपना बैठ के आराम से अपना फूड इंजॉय करो। लाइफ में और क्या चाहिए, यही तो चाहिए। तो कल मूड क्यों ख़राब था, तो चलिए देखिए, बेटे ने दिया जीवन में बहुत बड़ा सबक कि हार नहीं माननी है। हम लोग बच्चों को सिखाते थे, अब बच्चे ने वापस से कहा मम्मी हार नहीं माननी होती है, आप ही ने सिखाया, तो आप हार कैसे मान सकती हैं। तो चलिए, हार नहीं माना और आगे बढ़े हैं, आप भी आगे बढ़िए। वीडियो में सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से उसको ऐसे दबा दीजिए, एक बार टिप कर दीजिए सब्सक्राइब को, हो जाऊंगी मैं सब्सक्राइब, फिर आएगा बेल बन के, तो बेल को भी दबा दीजिए तो मेरे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। और सब्सक्राइब एक ही बार करा जाता है, लाइक हर बार करा जाता है। तो लाइक हर बार करिए, मुझे अपना प्यार दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं मेरा मूड कल क्यों ख़राब हुआ था। ये देखिए झंडे लहरा रहे हैं सबके यहाँ, मैंने भी लहराया है अपने झंडा, और लेकिन कल जो है वो पूरा गंदा हो गया। क्या करा, गई थी शूटिंग करने के लिए, सोचा था गार्डन में जाके ना थोड़ा सा कुछ शूट कर लेती हूँ, तो इतना मूड ख़राब हो गया। पानी बरस रहा था तो इंतजाम तो करके गई थी, लाइट बंद कर देती हूँ, इतना एक खोलनी पड़ेगी, एकदम वाइटनेस आ रही है फेस पे। हाँ तो मैं ये कह रही थी, इंतजाम तो करके गई थी, मुझे मालूम था कि मतलब पानी बरसेगा, और अकेले ही शूटिंग करती हूँ, कैमरा भी खुद ही को पकड़ना होता है ना। और मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये है मेरा स्टैंड, ये देखिए ये स्टैंड है, तो इसी को लेके जाती हूँ जब भी शूट करती हूँ कहीं भी, इसी को लेके जाती हूँ मैं। तो हुआ क्या, और बारिश का मौसम जैसा आजकल चल ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हो जो कानपुर में रहते हैं, तो वो सब जान ही रहे होंगे। तो फिर जो है दो स्टिक गार्डन में गई, तो मैंने कहा कि कैमरा तो भीग जाएगा अब स्टैंड में लगाएंगे, तो पानी मतलब हल्का फुल्का सा ऐसे बौछार हल्का हल्का सा हो रहा था, तो मैंने कहा कि वहीं से मैंने वो जैसे मचान देखा होगा ना आपने, कि मचान होती है ना जैसे लकड़ियों से चार लकड़ी खड़ी कर देते हैं और फिर उसके ऊपर बनाते हैं मचान टाइप का, तो वो बनती है उनकी लकड़ी से ही मचान बनती है। लेकिन मैंने क्या किया कि सोचा कि उसको ऐसे कर लूँगी कि कपड़ा ले गई थी, चादर मतलब दीवान की छोटी वाली जो बेडशीट होती है ना वो ले गई थी, और गार्डन में ही चार स्टिक्स मिल गई थी, थोड़ी ऊँची नीची सी थी, लेकिन मेरे स्टैंड से थोड़ी सी ऊंची जितनी मुझे चाहिए थी, तो वो हो गया था अरेंजमेंट। मतलब दो तो मैं नीचे से ही मेरे कैंपस में ही पड़ी थी, दो वहीं से ले गई थी, तो चादर बांध के मैंने ऐसे ही उसको मतलब वो कैमरे का स्टैंड बीच में रख दिया था कि चलो आराम से हो जाएगा, अब अपना शूट कर लूँगी मैं। तो बहुत मूड से गई थी और यही साड़ी पहन के गई थी, ये पूरी गंदी हो गई थी, इसको वॉश करी फिर मैंने, जब आज सूख गई है तब मैंने रील बनाई है दूसरी। तो मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, हुआ क्या, वो हवा इतनी तेज़ थी ना, इतनी तेज़ थी कल ना बारिश के साथ ही, बारिश भी बहुत तेज़ थी क्योंकि, तो वो पूरी ना डंडी जो थी ना ऐसी बस मिट्टी में हल्की हल्की सी मैंने ऐसे खोद के करी थी, तो वो पूरी हवा से गिर गई। अब वो गिर गई तो क्या हुआ, सारा कैमरा भी मेरा गिर गया, और वो पूरी एकदम से ऐसे आके गिरी ना, तो फिर कैमरा भी उसके साथ ही गिर गया, और कल कैमरे ने वर्क ही नहीं किया फिर उसके बाद। कैमरा क्या मतलब, यही मोबाइल से ही शूट करती हूँ, तो इतना मूड इतना ख़राब हो गया था, इतना ख़राब हो गया था कि बस पूछिए ही नहीं। और फ्लैग वगैरह सब लेके गई थी, तो वो भी जो है जब क्योंकि जैसे मोबाइल गिरा तो मैं फ्लैग को लेके शूट कर रही थी, तो मतलब एकदम से भागी तो मैं भी रपट गई थोड़ा सा उसमें। अब फिर मतलब घर पे आके रोना धोना करने लगी,
और मोबाइल को तो खैर बेटे ने ठीक कर दिया आज, मतलब कल उसने खोल खाल के सब पूरा फिर उसको हीटर से सुखा वुखा के सब कर दिया। तो मतलब इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी आज भी ना, मैं बता नहीं सकती आपको। फिर बेटा बोला कि मम्मी ऐसे करने से तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ख़राब हो गया दोबारा से बना लो कोई बात नहीं। तो आज उतना मन तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ी सी रील बनाइए तो अपना प्यार दीजिएगा, रील को ज़रूर वॉच करिए। इंस्टा में भी यही है मेरा फ्लेवर टेलर, और यही मेरा फेसबुक पे भी है फ्लेवर टेलर, ज़रूर ज्वाइन करिए आप मुझे। यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी और इंस्टा पे भी ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उन सभी को प्यार, और जल्दी जल्दी मुझे और लोग भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट लिख के भेजिए ज़रूर से, बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ने में। तो चलिए, ओ बिटिया की शादी की वीडियो शुरू कर दी है मैंने, पहली मैंने कल डाली है। मैंने बहुत दिन से सोच रखा था मैं शादी की तभी स्टार्ट करूँगी जब ये इंडिपेंडेंस डे आएगा, तो मैंने सोचा था कि मैं तभी से एंट्री दिखाऊँगी अपनी बिटिया की। तो उस रील को, दुल्हन वाली रील जो मैंने डाली है उसको ज़रूर वॉच करिए, वो मेरी ही बेटी की शादी की है, तो वो उसकी एंट्री है शादी की। और मैंने ये मतलब जब शादी हुई थी ना तभी मैंने सोचा था कि इसको तभी दिखाऊंगी मैं एंट्री, तो तभी दिखाऊंगी। मुझे बहुत पसंद है ये सॉन्ग, और आप लोगों को भी पसंद होगा, मनोज कुमार जी के तो सारे ही सॉन्ग्स पिक्चर के सारे अच्छे। तो चलिए, कल का मूड तो बहुत ख़राब था, आज फिर भी बेटे ने थोड़ी हिम्मत करके बोला मम्मी कोई बात नहीं, कोई देर नहीं होती किसी भी चीज़ की, आप दोबारा से छोटा सा शूट करो कुछ भी तो आपको अच्छा लगेगा और डाल दो। तो फिर मैंने दोबारा से वो डाला है, तो अपना प्यार ज़रूर दीजिए। चलिए ओके, बाय बाय, सेफ, टेक केयर, वी लव यू। जा कह रहे हैं देख तो लीजिए मैंने क्या शूट करने की कोशिश करी थी, तो थोड़ा सा देख लीजिए, घर में ऐसे ही फनी बना दिया बस, क्योंकि जब रोध हो रही थी ना तो बेटे ने बोला जाओ मम्मी जाओ बालकनी में करो, तो मैं ऐसी तफरी काट रही थी, तो उसने थोड़ा सा शूट कर लिया, तो वो पार्ट भी देखते हुए जाइए, मज़ा आएगा। हिंदुस्तान।